हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आईसीटी रिसोर्सेज आंसर की के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, जो ओ लेवल में आईसीटी रिसोर्सेज का पेपर हुआ है उसकी आंसर की आ गई है। मैं आपको इस वीडियो में इसकी आंसर की बताने वाला हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं और आपको आंसर की के बारे में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने रेड कलर से टिक कर रखा है वही इसका सही आंसर है। आप अपने अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप उसमें से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो मैं फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ। तो जो आपका पहला क्वेश्चन इसमें है, तो फ्रेंड्स आईसीटी का जो पेपर है ये काफ़ी ईजी होता है, तो कि इतना हार्ड नहीं होता है। सबसे इजी जो होता है वो हमारा आईसीटी का ही पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें पहला क्वेश्चन है, इज आ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रिज। इसका सी नंबर सही है, पहले का सी। जो अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर है, वो इज नो एज लूप बैक एड्रेस। जो उसका आंसर है वो डी नंबर सही है, 127.0.0.1। इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है तीन नंबर, इज अ बूट स्टार्टअप प्रोग्राम इन, वो जो हम बूटिंग जब स्टार्ट होती है तो NTLDR ये होता है। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूजबल होस्ट विथ एड्रेस इतना इतना। इसका जो आंसर सही है वो डी नंबर, 1022। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ पहले। जूम करने के बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इथरनेट यूज मेथड टू एक्सेस मीडियम, इसका आंसर जो है पहला सही है, CSMA/CD। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोपोलॉजी इज अ हाईली एक्सपेंसिव, जो सबसे टोपोलॉजी हाई होती है वो हमारी जो महंगी भी होती है वो फुली मेस होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ओसाई मॉडल कौन से स्टाप नंबर, इसको तो आप जानते ही होंगे कि 7 लेयर होती है ओसाई मॉडल में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेमोरी इज अ फास्टर देन रैम, मतलब कि रैम से भी ज़्यादा कौन सी फास्ट मेमोरी होती है। कैश आप जानते हैं कैश मेमोरी कितनी फास्ट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इज यूज टू कंप्रेस फाइल एंड फोल्डर, अगर आप किसी फाइल को या फोल्डर को कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, वो है बी नंबर से ही, इसमें विनजिप। अगला क्वेश्चन है कि इज यूज टू टेक स्नैपशॉट, जैसे डिस्कटॉप पे हमें स्क्रीन शॉट लेना होता है किसी का, जैसे कि कोई हमारा क्वेश्चन फंस गया या किसी से हम पूछना चाहते हैं तो उसका हम वो कर लेते हैं, स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, तो उसमें जो प्रिंट एक कीबोर्ड में की होती है प्रिंट स्क्रीन, उस पर क्लिक करेंगे तो उससे प्रिंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो हमारे हैं वो ट्रू फॉल्स के हैं, ट्रू फॉल्स के हैं, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स टी और एफ लगाना होता है हमारे शीट में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, MBR इज अ नॉन एज बूट पार्टीशन, जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है गलत। और फॉर्मेटिंग ड्राइव विल बी रेरेंज डेटा इन हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्वेश्चन भी गलत है। अगला क्वेश्चन तीन नंबर है, PCI इज अ फ्लोट आर द अवेलेबल इन कंप्यूटर टू इंस्टॉल ग्राफिक कार्ड, ये क्वेश्चन आपका सही है। फाइबर ऑप्टिक केबल रिड्यूज क्रॉस टॉक इफेक्ट, ये क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेलियर इज अ डिसवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। स्टेप क्रिएशन ऑफ यूजर एंड अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वायरलेस नेटवर्क यूज टू रेडियो वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल, ये क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, NFS इज द फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन आपका गलत है। स्विचेस टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द मैक कोड, यानी मैक एड्रेस होता है, कोड भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन
हमारा जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो उसका है मैचिंग का। तो मैचिंग की हम इसमें जानेंगे कि आपको किसमें किसमें जो एक्स वाई कैटेगरी है इसको किस किसमें किसके मैच करना है। तो पहला जो है फिजिकल एड्रेस है के नंबर, जिससे कैसे आप मैच कर सकते हैं मैक एड्रेस। जो फिजिकल एड्रेस होता है हमारा मैक होता है, यानी फिजिकल यानी किसी भी प्रोडक्ट पे जो पीछे लिखा होता है उसे मैक कोड आप कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है फाइल, मतलब किसी फाइल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए PKG ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है स्टैंडर्ड क्रिएशन कॉम्पटी फॉर द कम्युनिकेशन, इसका जो आंसर सही वो ISO है जो आपको पता ही होगा। लॉजिकल एड्रेस ई, इसका ई सही है। लॉजिकल एड्रेस ई आपका IP एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो IP एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोग्रामेबल स्टोरेज सी, इसका सी नंबर सही है। EEP रोम आ टाइप ऑफ प्रिंटर, एक जो प्रिंटर का टाइप है वो हमारा लेजर जेट है, जो L नंबर सही है। प्रोवाइड इंटरनेट इसका जो मैच करना है हमें ISP करना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला जो क्वेश्चन है मेश टोपोलॉजी का F से है, तो आप इसमें मैच कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी कमांड टू टेस्ट नेटवर्क जी, आप इसको जी से मैच कर सकते हैं पिंग कमांड। तो फ्रेंड्स आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए जो हमारा अगला टॉपिक है ये इसमें का वो है आपको करना है फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा DLL एक्सटेंशन स्टैंडर्ड फॉर जी, इसका जी नंबर सही है। जी नंबर आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं डायनोमिक लिंक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इसका आई नंबर सही ई नंबर सही है, आप ई इसमें से फिल कर सकते हैं UPDP। और अगला क्वेश्चन है आई, इसमें आई फिल किया जाएगा। स्विच डिटेक्टेड पाथा इस्टेब्लिश बिफोर डाटा इज ट्रांसफर्ड, इसका आई नंबर आप सही है। अगला क्वेश्चन है सी फिजिकल पार्ट ऑफ PC दैट कीप ट्रैक द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द सिस्टम, इसका सी नंबर है, फिल कर सकते हैं आप यहाँ। डिलीटेड फाइल कैन बी रिडक्टिव फ्राम, जो हम डिलीट करते हैं फाइल कहाँ जाती है वो सिंपल सी बात रिसाइकल बिन में जाती है। अगला क्वेश्चन है एम इज यूटिलिटी दैट रिमूव्स अननेसेसरी फाइल फ्राम द स्लो रनिंग हार्ड, इसका एम नंबर सही है, आप एम इसमें फिल कर सकते हैं। एम नंबर में जो है वहाँ पे है डिस्क क्लीन अप। अगला क्वेश्चन है इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम टू द रिसर्च फॉर द अनमैप्ड फाइल ब्लॉक्ड ऑफ HDD, इसका भी नंबर सही है, आप इसमें से भी फिल कर सकते हैं स्कैन डिस्क। अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आइडेंटिफाई आ फाइल आर लोकेशन इन HDD, इसका डी नंबर सही है, आप डी नंबर इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डी पाथ पाथ होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इसका ए नंबर सही है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर्मेटिंग रेफॉर्मेट फाइल सिस्टम ऑफ HDD, इसका जो है एफ नंबर सही है, आप इसमें एफ नंबर फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए अब तो ये हमारा जो एग्ज़ाम है ओ लेवल का है सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में CCC अगर आप कर रहे हैं तो CCC से मैं रिलेटेड आप वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बहुत से मोबाइल टिप्स एंड कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो।